प्यारे बच्चों नमस्ते, कैसे हो तुम सब? बच्चों तुम्हें तो पता ही होगा कि कुछ फलों का स्वाद खट्टा होता है और कुछ फलों का स्वाद मीठा होता है, और ये खट्टे मीठे फल हम सबको पसंद होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को मीठे फल पसंद आते हैं, मीठे फल जैसे चीकू, अनार, सेब, केला। और क्या बच्चों तुम्हें खट्टे फल भी पसंद हैं? खट्टे फल? खट्टे फलों का नाम सुनते ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया। खट्टे फल जैसे कि आम, लेकिन आम पकने के बाद मीठे भी हो जाते हैं। पर और भी कुछ खट्टे फल हैं, जैसे आंवला, इमली, नींबू। आया ना तुम्हारे मुंह में भी पानी खट्टे फलों का नाम सुनते ही? बच्चों आम और इमली का नाम सुनते ही इन्हें खाने का मन होता है। याद है ना कैसे कच्चे आम और इमली को नमक मिर्च के साथ चटकारे ले लेकर तुम सब खाते हो? इसी तरह मीठे मीठे गन्ने चूसने में भी अच्छे लगते हैं। तो चलो आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक कविता इमली ईख की पढ़कर सुनाती हूँ, जो तुम्हारे कक्षा पहली की हिंदी पुस्तक में पाठ 8 इमली ईख में दी गई है। तो बच्चों आओ सुने यह कविता, पाठ 8 इमली ईख। खट्टी इमली मीठी ईख, चरती बकरी बन के बीच। खट्टी इमली मीठी ईख, चरती बकरी बन के बीच। चलो पपीता खाएं हम, तबला खूब बजाएं हम। चलो पपीता खाएं हम, तबला खूब बजाएं हम। बच्चों कैसी लगी कविता, समझ में आई? आओ इसका हम अर्थ समझें। पहली दो पंक्तियों का अर्थ है कि खट्टी इमली मीठी ईख, चरती बकरी बन के बीच। इसका क्या अर्थ है? इमली खाना तो सबको पसंद होता है। इमली का स्वाद कैसा होता है? सही कहा तुमने, इमली का स्वाद खट्टा होता है। और ईख का स्वाद कैसा होता है? ईख मतलब समझे, ईख का मतलब होता है गन्ना, ठीक है? तो गन्ने का स्वाद कैसा होता है? गन्ने का स्वाद मीठा होता है। और भला बताओ ये मीठे मीठे गन्ने किसे अच्छे नहीं लगते होंगे। और वहीं जो बकरी है वो वन में चर रही है। वन मतलब क्या हुआ? वन का मतलब होता है जंगल, अर्थात जो बकरी है वो जंगल में घास फूस या पत्तियां खाने गई है। अब अगली इन दो पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। चलो पपीता खाएं हम, तबला खूब बजाएं हम। और आगे इस कविता में बच्चे कहते हैं कि बकरी जो है वो जंगल में गई है, तो उसे जाने दो और आओ हम सब मिलकर पपीता खाते हैं। और पपीता खाने के बाद में मजे करते हैं, तबले बजाते हैं। तो बच्चों अब इस कविता को तुम लोग अपनी पुस्तक से भी पढ़ने का प्रयास करना और अपने मित्रों के साथ इस कविता को मिलकर गाना। बच्चों अब हम इस पाठ से जुड़े कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। यहाँ देखो तुम्हें इस तरफ कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे और बीच में इन चित्रों के नाम दिए गए हैं जो क्रम से नहीं है। इसे हमें चित्रों से शब्दों का मिलान करना है। सबसे पहला चित्र पहचानो, कौन सा चित्र है? सही कहा, पहला चित्र है तबला। अब देखो यहाँ बीच में तबला कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल सही, यह लिखा है तबला। अगला चित्र ईख, कहाँ लिखा है इसमें ईख? यह लिखा है ईख, बहुत बढ़िया। सबसे नीचे यहाँ चित्र में दिया है, अगला चित्र है बकरी, बकरी कहाँ लिखा है? पहचान ही गए होगे, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है बकरी, बहुत अच्छा। अब इस तरफ के चित्रों में देखो, सबसे पहला चित्र इमली, अब इमली कहाँ लिखा हुआ है? सही कहा तुमने, यह लिखा है इमली। दूसरा चित्र है पपीता, यह लिखा है पपीता। अगला चित्र जो है वन का चित्र है, वन मतलब जंगल, तो वन कहाँ लिखा हुआ है? यह देखो यहाँ वन लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। बच्चों आओ अब हम एक गतिविधि करते हैं। बच्चों इस कविता में
तुमने इमली, पपीता, ईख इस तरह से कुछ नाम सुने। इन नामों में कितनी आवाजें होती हैं और कौन कौन सी आवाजें होती हैं, इसे हम यहाँ दिए गए चित्रों और शब्दों अक्षरों से समझेंगे। तो पहला चित्र है इमली का, उसके नीचे क्या लिखा है, इमली। इस नाम में कितनी आवाजें हुई, ताली बजाकर देखो, ई म ली। कितनी आवाजें हुई, तीन आवाजें। ये देखो यहाँ ये छोटे छोटे डिब्बों में भी दिया गया है। और इमली में पहली आवाज क्या है, ई। शाबाश बच्चों। अगला चित्र देखो, पपीता। नीचे लिखा है इस चित्र के नीचे पपीता। पपीता में कितनी आवाजें हैं, कौन कौन सी आवाजें हैं करके देखो। चलो इसको हम चुटकी बजा कर देखते हैं, प पी ता। कितनी चुटकियां बजी, तीन चुटकियां। तो कितनी आवाजें हुई इस नाम में, तीन आवाजें, प पी ता। पहली आवाज क्या है, प। यह देखो ऐसा लिखा जाता है, प। अगला चित्र पहचानो, अगला चित्र है तबला। इसके नीचे लिखा है तबला। अब तबला में कितनी आवाजें हैं, चुटकी बजाकर देखो, त ब ला। कितनी चुटकियां बजी, तीन चुटकियां, त ब ला। पहली चुटकी किसके लिए, किस आवाज के लिए बजाई मैंने, त के लिए, तो यह लिखा है त। अगला चित्र है बकरी। अब बकरी के चित्र के नीचे लिखा है बकरी। बकरी के नाम में कितनी आवाजें हैं और कौन कौन सी आवाजें हैं, ब क री। इस नाम में तीन आवाजें हैं, कौन कौन सी, ब क री। पहली आवाज क्या है, ब, ऐसे लिखा जाता है, ब। शाबाश बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को पहचानो, कौन सा चित्र है यह, वन। वन में ये लिखा है वन। इस नाम में कितनी आवाजें हो गई, दो आवाजें, व न। पहली आवाज व, यहाँ लिखा है व। तो बच्चों ईख। इस नाम में कितनी तालियां बजेंगी, कितनी आवाजें होंगी इस नाम में, ई ख। कितने बार चुटकियां बजी, दो। तो कितनी आवाजें हुई, दो आवाजें। पहली आवाज ई। बच्चों अब हम एक और गतिविधि करेंगे। अभी जैसे गतिविधि में तुमने पहली आवाज को पहचाना, तबला में पहली आवाज त, ईख में पहली आवाज ई, इसी तरह से अब हमें ऐसे शब्द बताने हैं जिनकी पहली आवाज प या फिर व या फिर ब या फिर ता होनी चाहिए। समझ में आया, ऐसे शब्द बताना है जिनकी पहली आवाज प होती है। अब इसमें मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसा कोई नाम, प। प से पापड़, और प से पतला, प से पतंग। अब तुम और सोचो, व से शुरू होने वाले और कौन कौन से नाम होंगे जिनमें व की आवाज आती होगी। याद करो, व से वजन हो सकता है, व से वन तुम्हारी कविता में भी आया था। अच्छा अब ब से सोचो, ब से किसी सब्जी का नाम सोचो, ब से बरबट्टी, बहुत सही। ब से और कोई चीज का नाम, ब से बस भी हो सकता है। शाबाश बच्चों। अब इसी तरह से तुम त से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताओ जिनके नाम की पहली आवाज में त हो। जैसे त से कोई फल का नाम याद आ रहा है, त से तरबूज, और बिस्तर में कोई चीज जो त से शुरू होती है, त के आवाज से शुरू होती है, त से तकिया, और त से किसी सहेली या दोस्त का नाम, जैसे त से तनुजा हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब तुम इसी तरह और भी अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों का नाम ढूंढना अपने मित्रों के साथ मिलकर। आओ बच्चों अब इस पाठ से जुड़े हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, तुम्हें कुछ खट्टी चीजों के नाम बताना है। याद करो कुछ खट्टी चीजों के नाम, सही कहा तुमने, जैसे नींबू, दही, टमाटर, आम और इमली। और भी हो सकते हैं कुछ ऐसे चीज जिनका स्वाद खट्टा होता हो। अच्छा बच्चों अब इसी तरह अगला प्रश्न है कि तुम्हें कुछ मीठी चीजों के नाम याद करके बताना है जिनका स्वाद मीठा होता है।
मुझे पता है, सबको मालूम है इसका उत्तर। मीठी चीज जैसे कि मिठाई, शक्कर, चॉकलेट, गुड़ और शहद, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिनका स्वाद मीठा होता है। बच्चों, अब इस पाठ से जुड़े मैं तुम्हें कुछ गृह कार्य देती हूँ, जिसका पहला प्रश्न है शब्द बनाकर लिखो और पढ़ो। इसमें देखो, इस तरफ कुछ अक्षर दिए हुए हैं और यहाँ बीच में ल दिया हुआ है। अब तुम्हें इधर दिए हुए अक्षर जैसे बा, मा, जा और ला, इन्हें ल से जोड़कर शब्द बनाना है। एक मैं तुम्हें बनाकर दिखाती हूँ। जब बा और ल को जोड़कर लिखेंगे तो बनेगा बाल। इस तरह से मा और ल को जब जोड़ के लिखेंगे तो कौन सा शब्द बन रहा है? माल। ठीक है, अब बाकी दो अक्षरों को जोड़कर इस तरह से तुम और दो नए शब्द बनाना। बच्चों, गृह कार्य में अगला प्रश्न है कि तुम्हें बताना है इन चीजों का स्वाद तुम्हें कैसा लगेगा। जिन चीजों का स्वाद खट्टा होगा उसे तुम खट्टी वाले जगह पर सही का निशान लगाना, और जिन चीजों का स्वाद मीठा होता है उसे मीठा लिखा है इस तरफ सही का निशान लगाना। तो देखो, पहला नाम है जलेबी। अब बताओ जलेबी का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। तो हम सही का निशान कहाँ पर लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे इस तरह से और भी चीज़ों के नाम पढ़ो और बताओ कि वो चीज़ें खट्टी होती हैं या वो चीज़ें मीठी होती हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी ही हम अगली कक्षा में मिलेंगे।